नमस्कार, लाइव इंडिया अर्पल के खास कार्यक्रम नेशनल बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर आज जो है वो थम जाएगा। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होगा। मतदान 7 मई को है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सोमवार की शाम को चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 57 पुरुष और महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। झंझारपुर में 10, सुपौल में 18, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में राज्य में 98,60,397 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 17,29,473 पुरुष तो वहीं 47,30,602 महिला मतदाता और 322 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,716 मतदाता हैं, जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 1,45,482 है। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी जो है वो की जा चुकी है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें खुद को मालूम नहीं, यानी कि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को खुद मालूम नहीं है कि वे क्या करने वाले हैं। जिनको खुद को मालूम है वो करने वाले क्या है? आप अंदाज लगा लो, 2014 में लॉन्च किया है वो, 2014 वो अच्छी खासी सरकार तो रहेगी कांग्रेस, इनको जैसे ही लॉन्च किया धड़ाम से सरकार रही और 115 विधायक रहे। फिर भी माने, फिर लॉन्च किया 2019 में, किसी हालत में आपकी बात ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं क्या क्या कहा और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रहेगा 115 से घट करके और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 1994 में जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था प्रधानमंत्री उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने धर्म को आधार नहीं बनाया था, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के मद्देनजर हमने आरक्षण दिया गया था। वहीं 1994 के बाद कर्नाटक में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और ये मुद्दा 30 साल के बाद उठा है। केंद्र की जो ओबीसी सूची है उसमें कुछ मुसलमान जातियों को भी शामिल किया गया है और आज प्रधानमंत्री खुद उसका श्रेय ले रहे हैं। 94 में जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की रोज कोशिश कर रहे हैं। असली बात यह है कि सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया था कर्नाटक में 1994 में, न केवल मुस्लिम परंतु क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन धर्म सभी को दिया गया था। जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई है उनको भी आरक्षण दिया गया था। तो ये बात गलत है कहना कि हमने धर्म को आधार बनाया है, बिल्कुल झूठ है। धर्म को आधार नहीं बनाया था 1994 में, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन को मद्देनजर रखते हुए उन वर्गों को, उन जातियों को हमने आरक्षण दिया। और 94 के बाद 4 बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक में, देवेगौड़ा जी उनके साथी, उनके घटक दल जो अभी हैं उनके साथ कोएलिशन में जो है कर्नाटक में, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 10 साल तक नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 30 साल के बाद ये मुद्दा ये उठा रहे हैं। और अभी हाल में अगर आप देखें 9 फरवरी 2022 को आप ही के चैनल को प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है जो अपने वो श्रेय ले रहे हैं कि जो केंद्रीय सूची है ओबीसी की, ओबीसी लिस्ट है, उसमें कुछ मुसलमान जाति भी उसमें शामिल किया गया है और उनका श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हो।
उन्होंने वो खुद श्रेय ले रहे थे 9 फरवरी 2022 को आप ही के चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो ये बिल्कुल झूठ है। और ये एक 19 अप्रैल से प्रधानमंत्री के पास एक ही मुद्दा है, वो भोकलाए हुए हैं, वो परेशानी में हैं और वो गड़बड़ाए गए हैं क्योंकि वो जानते हैं दक्षिण भारत में साफ, उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। तो तब से 19 अप्रैल से सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, मंगल सूत्र, मुसलमान आरक्षण, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और ये जैसा कि मैंने कहा झूठ की मारामारी महामारी फैला रहे हैं। और इसका एक ही इलाज है, सत्य कवच जो कांग्रेस ने अपनाया है और झूठ वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये केवल अपने परिवार तक सीमित है, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये केवल अपने परिवार के लिए तक, अपने परिवार के लिए सीमित है। और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमामंडन करते हैं। यही प्रदेश है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है, उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था, और कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, या आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से रायबरेली से नामांकन किया है इसके बाद से ही लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर है। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी ने सालों तक कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, गांधी परिवार के साथ रहे। इन दो महत्वपूर्ण बैठकें रायबरेली और अमेठी के लिए सबसे पहले निर्णय होना चाहिए, लेकिन अंतिम दिन ही क्यों हुआ? देखिए, रायबरेली और अमेठी सालों तक कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, गांधी परिवार के साथ में रहे, तो इन दो महत्वपूर्ण बैठकों के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो पहले होनी चाहिए थी, आखिरी दिन क्यों? केएल शर्मा जी, पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि रायबरेली में जब सोनिया जी नहीं थे तब केएल शर्मा जी सिर्फ रायबरेली पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अमेठी में 2019 में भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं पूरा चुनाव वहां पे था। तो जो अमेठी में अभी तक केएल शर्मा जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लास्ट में जब लगा कि नहीं आप अमेठी से कहीं ना कहीं हार हो सकती है तो केएल शर्मा जी को रखना, मुझे नहीं लगता है। देखिए, राजनीति में हार जीत इतना मायने नहीं रखते, नैरेटिव मायने रखती है कि जो अमेठी ने 31 साल तक गांधी परिवार का साथ दिया वो 5 साल अगर उन्होंने आपको हरा दिया तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये रणनीति आखिरी दिन तय नहीं हो सकती है, अमेठी की रणनीति, अगर आप अमेठी को दिल के रिश्ते की बात करते हो, रायबरेली के साथ दिल के रिश्ते की बात करते हो, तो ये स्ट्रेटेजी पहले तय हो जानी चाहिए थी और अमेठी और रायबरेली की सीट डे 1 पे डिक्लेयर होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली की जनता को लगता कि हमने जो प्यार गांधी परिवार और कांग्रेस को दिया है वो भी हमको उतना प्यार करते हैं। ये लास्ट मिनट डिसीजन है और मैं मानता हूँ सही डिसीजन ये होता है कि रायबरेली से प्रियंका जी लड़ते और अमेठी से राहुल जी लड़ते तो शायद नैरेटिव ठीक होता कि हाँ बिल्कुल, भले राहुल जी को अमेठी ने आखिरी इलेक्शन में हराया पर राहुल जी अमेठी की जनता को छोड़ेंगे नहीं, वापस उनके पास आशीर्वाद मांगने जाएंगे। और जिस रायबरेली में सोनिया जी ने काम किया, प्रियंका जी ने काम किया और केएल शर्मा जी ने काम किया, तो मुझे लगता है बेटर ही होता कि प्रियंका जी चुनाव लड़ती और केएल शर्मा जी उनके चुनाव एजेंट बनते, तो शायद रायबरेली की जनता को भी लगता कि उन्होंने जो सालों से जो विश्वास दिया है उस पर खरा उतरते और अमेठी की जनता को लगता है कि नहीं, जिस राहुल जी को प्यार दिया वो उनके साथ खड़े। बढ़ेंगे आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरान रोड शो भी करेंगे और इस रोड शो में फूलों की बारिश होगी। नरेंद्र मोदी सुग्रीव किला से लता चौक तक रोड शो करेंगे। इस दौरान 75 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है। इन स्थानों पर अलग अलग वर्ग के लिए पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके लिए 100 क्विंटल फूल जो है वो बिक गए हैं, इनमें गुलाब की पंखुड़ियां सबसे ज्यादा शामिल है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या की भव्य साज सज्जा की गई है। मुख्य मार्ग के हर घरों पर भगवा झंडे लगाए गए हैं। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 11 को राम मंदिर की थीम पर सजाया गया है। 50 किलो फूल से यहाँ रामलला के बाल स्वरूप के चित्र सहित राम मंदिर का मॉडल बालक राम की छवि को दर्शाया गया है। मुख्य मार्ग पर टेढ़ी बाजार से लता चौक तक डिवाइडर के बगल बैरियर लगाए जा रहे हैं और साथ ही इन पर पीताम्बरी चढ़ाई जाएगी। पीएम के स्वागत के लिए 75 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इन ब्लॉकों में अलग अलग वर्ग, साधु संत, व्यापारी, अधिवक्ता, चिकित्सक, महिला शक्ति, सांस्कृतिक टीम मोदी का पुष्प वर्षा से वेलकम करेंगी। बढ़ेंगे आगे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नई पीढ़ी के लोग काम की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काम की बात करनी चाहिए, है ना? लेकिन हम लोग सुना करते थे कि भाई पहले के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे, लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए, लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने 10 साल तक क्या किया, यहाँ आए मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दिए, तो उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं जो बुजुर्ग होते हैं काम ध्यान की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। कल दरभंगा आके जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि आप लोग की सरकार आएगी, तो पहले तो सोना चांदी की बात हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि आप लोग जो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन वो भी छीन के आप मुसलमानों को देने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो बेकार की बातें हैं। हमने पहले भी कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण देश में दिया, जो भी समाज में पिछड़ापन जो था चाहे कोई धर्म में था उन सभी जातियों को दिया है,
ये केवल मोहरा बना करके सबों का आरक्षण छीनना चाहते प्रधानमंत्री जी, खाली डर दिखा करके सबका आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने बिहार में 75% जो आरक्षण दिया उसको शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे? उसमें किसका किसका बड़ा है? पिछड़ों का बड़ा, अति पिछड़ों का बड़ा, आदिवासियों का बड़ा, दलित भाइयों का बड़ा। 75% पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया, बढ़ाया। हम लोग तो बढ़ाने का काम किए हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो आएंगे तो संविधान और आरक्षण खत्म करना? तो लगातार वो कह रहे हैं। आरक्षण जितना संस्थान था भारत सरकार में जहाँ नौकरियाँ मिलती थी आरक्षण के आधार पर, वो सारे संस्थानों को निजीकरण कर दिया तो आरक्षण खत्म हो गया। संविधान की बात तो इनके नेता, MP, कैंडिडेट सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान खत्म करना। बीजेपी, हमने कई वीडियो शेयर किया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सम्राट चौधरी की। दरअसल सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला कहा। उन्होंने कहा कि एक शहजादे दिल्ली में और एक बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, दूसरा देश को लूटने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर में कहा कि लालू प्रसाद जी ने कार सेवा के नाम पर जिन लोगों की हत्या की गई थी, नरसंहार किया गया था, उस केस में कुछ लोगों को बचाने का काम किया था रेल मंत्री के तौर, और एक शहजादे दिल्ली में और एक शहजादे बिहार में बिहार को लूटने का काम करें, दूसरा देश को लूटने का काम। ये लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी देश में राज किया, बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद जी का राज किया, परिवार राज किया, और इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया। एक व्यक्ति को लालू प्रसाद जी ने 15 साल के शासन में एक आरक्षण नहीं दिया, लोगों को नौकरी नहीं दी। आज यदि बिहार के लोग बेरोजगार हैं तो लालू प्रसाद जी के चलते हैं। संविधान विरोधी लालू प्रसाद हैं और आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी नेता शहजादा पूनावाला ने दिल्ली में कहा कि अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधे पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता और LOP विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं। वे कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही की है और उसे छिपाने का काम उज्ज्वल निकम ने किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। अभी समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही है, क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए पाकिस्तान क्यों लगातार इबादत कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजय वडेट्टीवार, वो पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं, कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं, अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही की है, और इसको छिपाने का काम उज्ज्वल निकम, वही उज्ज्वल निकम जो आज तो बीजेपी NDA के प्रत्याशी है परंतु एक वकील के रूप में अजमल कसाब को तख्ते पर लटकाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने सफलता पाई, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपनी वकालत के माध्यम से आतंकियों को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया, उस उज्ज्वल निकम को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही तो वो है जो नक्सलियों को शहीद कहते हैं, जो सेना को बलात्कारी कहते हैं और जो अफजल और याकूब के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी और नेताओं ने, महाराष्ट्र के असलम शेख ने भी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है उन्होंने भी आतंकी नक्सलियों के लिए किस प्रकार से आंसू बहाए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी किसकी आंखों से आंसू निकले और किसने मोहनचंद शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया ये किसी से छुपा नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि
मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, यह आज स्पष्ट है। अगर ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बताएं कि क्या कार्रवाई करेंगे इस नेता पर। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव ने कहा कि पूरे प्रदेश में हम जनता के बीच गए और जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें मिली है वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इस बार राज्य की 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी। जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके जो है वो कहा था कि संविधान खतरे में है, जिस पर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि संविधान कहां खतरे में है, कौन सी ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है। लालू जी ने ट्वीट किया, कहा संविधान खतरे में है। सर, संविधान कहां खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, इसमें कहां संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान के खतरा में होता है क्या? तेजस्वी यादव लगातार अपनी हर सभा में नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव हर सभा में नौकरी की बात कर रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव पर हमला करना है तो नौकरी पर हमला करें कि हम ज्यादा देंगे। भीड़ ज्यादा है, प्रधानमंत्री जी बादशाह हैं, सुल्तान हिंद हैं, वेशभूषा से भी, आचरण से भी, व्यवहार से भी, घमंड से भी, गुरूर से भी, अहंकार से भी, इसलिए ही सब बोलते हैं ना। तेजस्वी जी तो हर सभा में नौकरी की बात करते हैं। अगर तेजस्वी जी पर अटैक करना है तो नौकरी पर अटैक करो ना कि हम तुमसे ज्यादा देंगे, आर्थिक सबलीकरण पे अटैक करो कि हम तुमसे बेहतर करेंगे, वो कर नहीं पा रहे तो क्या यही अनशंट बचता है? शाहजादा शाहजादा शाहजादा, अरे वो बेरोजगार युवकों की आशा है, कहो कि हम तुमसे बड़ी आशा बन करके उभरेंगे, वो आप कह नहीं सकते क्योंकि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पर आए थे, उसी गारंटी पे आए थे मोदी जी, 20 करोड़ हो गए, आप 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते हो। तो जाहिर है आईना लेके चला कीजिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम एक छोटा वाला जेब में, जिससे अतीत भी दिखे और आगे की संभावना भी दिखे। आप कह रहे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं वे बताएं कि क्या यह वह कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाया था। भाई ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे, कांच की हांडी बार बार नहीं जड़ती है, कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया, ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। हकीकत है जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में हैं, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स बताए कांग्रेस? विरासत पे जो टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है, क्या है ये विरासत का टैक्स? 55% संपत्ति गरीब किसानों की ये लोग हड़पना चाहते हैं, 55% संपत्ति गरीब मजदूरों की ये लोग हड़पना चाहते हैं, महिलाओं की संपत्ति, जो गहना जेवर ये लोग इकट्ठा की हैं, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। और ये तो इनकी परंपरा ही रही है ना भाई, लैंड फॉर जॉब, किसने ये परंपरा शुरू की? इन्हीं लोगों ने की। और जब ये लोग लैंड फॉर जॉब की परंपरा शुरू किए हैं, अब उसको एक विधिवत तरीके से अब ये लोग जमीन को हत्याना चाहते हैं। तो क्या होगी वो विधि? वो है
इनहेरिटेंस टैक्स लागू करके। अब ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आए तो भ्रमित करने के लिए कभी आरक्षण, कभी संविधान, कभी लोकतंत्र। तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे प्रधानमंत्री गुजरात में, कौन सा इन्होंने कानून बदल दिया, कौन सा आरक्षण हटा दिया। ऐसे में जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं एक्चुअल मुद्दों से, ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार, प्रसाद का परिवार गुंडों, आतंकियों और अपराधियों का प्रतीक है। लालू प्रसाद यादव का परिवार कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। देखिए, ये सब गलतफहमी में लोग हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार गुंडों के प्रतीक है, आतंकियों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है। लालू जी का परिवार कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। ये लूटने वाले लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, इनको सिर्फ अपने परिवार में आरक्षण चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लोग और शहजादा और शहजादी, ये लोग नहीं देखना चाहते कि कोई गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। इनके परिवार का लोग प्रधानमंत्री बने, बस इतना ही मतलब है। गांधी परिवार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जैसे लालू जी का परिवार पूरे बिहार में अपने लिए जीते हैं। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।